जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है, जैसे नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए। इस 3 पोस्ट की पूरी जानकारी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल PDF है। ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और इस भर्ती की पूरी जानकारी पहले आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन डेट आपको देखने को मिल जाएगा, कब से कब ये फॉर्म भरा जाएगा। 5 जनवरी 2021 से ये फॉर्म भरा जाएगा, 10 बजे सुबह से 19 जनवरी 2021 तक फॉर्म भरा जाएगा। जैसे फॉर्म आपका भरना स्टार्ट होगा, ऑनलाइन स्टार्ट होगा, मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूँगा कैसे आपको अपने घर बैठे अपने फ़ोन से फॉर्म फिल करना होगा। जैसे नीचे आएंगे यहाँ फ्रेंड्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केवल मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे इंडिया से। उसके बाद जैसे है यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम आपको नाविक जनरल ड्यूटी मिल जाएगा, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, उसके बाद यांत्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10th पास होना चाहिए। यांत्रिक से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास, उसके बाद डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, जो भी हो। उसके बाद आगे फ्रेंड्स आपको एज के बारे में बताइए कि एज आपका क्या रहने वाला है। तो एज आपका 18 से 22 वर्ष के बीच में आता है, तो आप आसानी से अप्लाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नाविक GD और यांत्रिक के लिए यहाँ पे बताया गया है डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप आसानी से आवेदन कर लेंगे ये दोनों पोस्ट के लिए। नाविक GD और यांत्रिक के लिए ये डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। वहीं फ्रेंड्स अगर आप ये अप्लाई करेंगे DB के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप आसानी से आवेदन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एज में छूट भी मिलने वाला है। जैसे 5 ईयर्स को SC ST को 5 ईयर्स का छूट मिलेगा नियमानुसार, 3 ईयर्स को आपको OBC को छूट मिल जाएगा। तो एज में छूट भी आपको मिलने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे वैकेंसी डिटेल्स आपको दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा नाविक जनरल ड्यूटी का है। यहाँ पे जनरल के लिए 114 पोस्ट है, EWS के लिए 34, OBC के लिए 83 और ST के लिए 7 है और SC के लिए 23 है। टोटल यहाँ पे 260 पोस्ट पर भर्ती आई है जनरल ड्यूटी के लिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जनरल के लिए 22, EWS के लिए 6, OBC के लिए 8, ST के लिए 3, SC के लिए 11, 50 टोटल। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल है, इसमें फ्रेंड्स यांत्रिक में मैकेनिकल है जिसमें आपको 13 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे EWS में 3, उसके बाद OBC में 7, ST में 4, SC में 5 और 31 टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से आकर के अपना पोस्ट देख लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर आपसे बात कर लेता हूँ। और नीचे आएंगे तो यहाँ फ्रेंड्स स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले आपका रिटर्न होगा। जैसे आप देख सकते हैं रिटर्न में यहाँ पे बताया गया पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाइड, उसके बाद रिटर्न टेस्ट आपको सेक्शन 1 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद पासिंग मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न में कितने मार्क्स पे पास हो जाएंगे, कट ऑफ आपका अलग बनेगा। उसके बाद रिमार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया नाविक DB के लिए ये सेक्शन 1 होगा। इसमें फ्रेंड्स अगर आप जनरल हैं तो जनरल OBC EWS हैं तो आपको 30 यहाँ पे परसेंट मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद 27 मार्क्स अगर आप SC ST हैं तो होना चाहिए। नाविक GD के लिए सेक्शन 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं 1+2, इसमें फ्रेंड्स 30 चाहिए, 30+20 50 चाहिए जनरल EWS और OBC के लिए, और 27+7 आपको चाहिए, 27+17 चाहिए मतलब 44 चाहिए SC ST को। उसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पे यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1+3 है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको रहने वाला है 30+20 50, इसमें भी 44 आपका रहने वाला है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे आके। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे यांत्रिक का भी आपको दिया गया, आप यहाँ पे एक एक करके देख लीजिएगा, एक एक करके वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 1 आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये DB का है। इसमें फ्रेंड्स आपका एग्जामिनेशन के बारे में बताएगा, जैसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 60% मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मैथ से 20 रहेंगे, साइंस से 10 रहेंगे, इंग्लिश से 15, उसके बाद रीजनिंग से 10, GK से 5। पासिंग मार्क्स यहाँ पे आपको दिया गया, जैसे पहले बताया था 30 और 27 आपका रहने वाला है जनरल EWS OBC के लिए 30 और SC ST के लिए 27। उसके बाद सिलेबस आपका क्लास
टेंथ के हिसाब से रहने वाला है। सेक्शन टू आ जाएगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा सेक्शन टू शायद जीडी था, नाविक जीडी। इसमें फ्रेंड्स आपका रहने वाला है मैक्सिमम 50% मार्क्स, टाइम टेबल 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स से 25 और मैथ्स से 25 दो क्वेश्चन रहने वाला है दो सब्जेक्ट से। उसके बाद यहाँ पे 20 आपका रहने वाला है ईडब्ल्यू जनरल का, वो उसके बाद रहने वाला है एस सी एस टी का 17। और यहाँ पे 12 से आपको सारे क्वेश्चन पूछेंगे, फिजिक्स सिलेबस रहने में मैथ और फिजिक्स से सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन यहाँ पे 3 में आता है, आप देख लीजिएगा इसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स आपको 50% रहने 50 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको समय 30 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको 50 रहने वाला है, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जनरल के लिए रहने वाला है, आप इसको देख लीजिएगा। और सेक्शन 5 भी है और 4 है 5 है, आप यहाँ से आकर के एक एक करके देख पाएंगे। और आगे मैं आपसे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टेज 2 बताया गया जो इस बार आपका एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया, यानी कि ऑनलाइन इस बार आपका एग्जाम होगा। ये फ्रेंड्स आपका ये रहने वाला है। उसके बाद फिजिकल आपका रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं PFT क्या रहता है, आप सभी को पता भी होगा, मैं एक बार बता भी देता हूँ। आपका जो रनिंग रहेगा 1.6 किलोमीटर यानी कि 16 मीटर रनिंग रहेगा, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 20 स्क्वाट अप रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 10 पुशअप रहेगा, तीन चांस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पास या फेल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो आपको बना दूंगा। और स्टेज 3 में यहाँ पे फ्रेंड्स वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाले, मेरिट लिस्ट बनेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इस पर बात कर लेता हूँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 5 जनवरी 2021 से फॉर्म भरा जाएगा, 19 जनवरी 2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर के और भी जानकारी देख सकते हैं और यहीं से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स आपके टेंटेटिव डेट भी है एग्जाम का, यहाँ पर देख सकते हैं नाविक जीडी है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है और यहाँ पर यांत्रिक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4। स्टेज 1 यहाँ पे 2021 को दिखाया जा रहा है, अप्रैल या मई 2021 दिखाया जा रहा है। स्टेज 2 उसके बाद अगस्त अक्टूबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, स्टेज 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल के बारे में बताया गया, और जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका हाइट 157 होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है, 157 आपका हाइट चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए यहाँ पे भी दिया गया है। और आपका जो वेट है वो एज और हाइट के हिसाब से आपका एज लिया जाएगा। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं। और भी जो इस पर इम्पोर्टेंट है मैं इस पर बात कर रखा है, इसके अलावा और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। या फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, आप सभी की रिप्लाई मिल जाएगा। पे स्केल के बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नाविक जीडी का है 21,700, लेवल 3 रहने वाला है। उसके बाद नाविक यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच का है 21,700 सेम रहने वाला है, यांत्रिक का यहाँ पे रहने वाला है 29,900, लेवल 5 ये रहेगा। और तो यही बताना था आपको इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।